मेरे हाथ से ना मतलब मैंने खिड़की बंद की, गाड़ी का शीशा टूट गया। कैथोलिक कन्वर्टर होता है तो बस इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ मैकेनिक्स थोड़ी बहुत लालच में आ जाते हैं, मतलब ये छोटी मोटी चोरियां करते हैं। ये छोटी सी चोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी चोरी है। अस्सलामुअलैकुम। तो फिलहाल अभी सुबह सवेरे का टाइम है और हमारे पास है गाड़ी की चाबी और गेट की चाबी। तो आज मैं सुबह सवेरे इसलिए निकला क्योंकि मुझे ना आज जो स्कूल की वैन है उसको वॉश करवाना था। और अभी चेक कर लो, अभी सड़क से कोई भी नहीं चल रहा क्योंकि सुबह का टाइम है। तो फिलहाल मैं स्कूल पहुँचता हूँ, पहले मुझे वहाँ पर अपनी जो स्कूल वैन है ना उसको वॉश करवाना है, मतलब खुद वॉश करना है। इन गाड़ियों में पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। जब भी आप इस वाली गाड़ी में बैठोगे ना, मैजिक में बैठोगे, तो पहले ऐसे की को ऑन करना पड़ता है। यहाँ पर एक लाइट जलती है, हीट की लाइट, वो 3-4 बार ना ऑन ऑफ करनी पड़ती है जब तक वो बंद ना हो जाए, क्योंकि वरना इन गाड़ियों में प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार मैंने स्विच लगाया, बंद किया, और दूसरी बार मुझे स्विच लगाना है और फिर वापस 2-3 सेकंड के बाद बंद करना है। बच्चों को जल्दी जल्दी पिक करना है और वहाँ से आके देखेंगे, अगर मुझे नींद होगी थोड़ा बहुत सोएंगे। तो बाकी आज वर्कशॉप पे भी बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि मैंने कल एक गाड़ी खरीदी थी जो कि मैंने आपको दिखाया था, तो उसमें भी बहुत सारे काम करने हैं। लेट्स सी क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्कूल पहुंच के मैं आप लोगों को एक रूटीन बताता हूँ। यहाँ पर हमें एक बुक मिलती है जहाँ पर कि हमें मीटर की ये लिखना होता है, इसकी रीडिंग लिखनी होती है। ये एक प्रोसीजर होता है स्कूल का, पहले हम रीडिंग लिखते हैं और डेट लिखते हैं। तो बाकी गाइस अभी गाड़ी को वॉश करते हैं। मैंने वहाँ पर बाल्टीन में पानी रख दिया है, पानी फेंकेंगे क्योंकि अभी मैंने मोटर चलाने की कोशिश की थी, मोटर नहीं चल रहा। तो बस सो बाकी गाइस अभी निकलते हैं, थोड़ा बहुत नुकसान हो गया और लेट भी हो गया 8:19। तो मेरे हाथ से ना मतलब मैंने खिड़की बंद की, गाड़ी का शीशा टूट गया। लेकिन एक बात है, मैं कैमरा के सामने था, जो कि स्कूल का कैमरा लगा हुआ है ना वही पर था। मैंने शीशे को नहीं मारा, मैंने खिड़की बंद की, शीशा खुद ब खुद टूट गया। और दूसरा ड्राइवर भी था वहाँ पे, उसने भी देखा। वरना होता है ना मतलब किसी को गलती से वैसा मतलब समझ नहीं आया क्या हो गया, नुकसान हो गया सुबह सवेरे। चलो कोई बात नहीं, वैसे वो शीशा पहले से ही खुला था, सर से हम बात करेंगे वहाँ से आके। तो बाकी मैंने गाड़ी अच्छी से वॉश कर दी थी, अंदर से भी साफ ही कर रहा था, बट इसकी खिड़की बंद ही नहीं हो रही थी। मैंने ऐसे इसकी खिड़की एक बार बंद की, नहीं हुई, दूसरी बार बंद की, नहीं हुई। जब मैंने तीसरी बार बंद की ना, शीशा एकदम से खटाक से नीचे आ गया। चलो क्या ही कर सकते हैं, नुकसान हो गया। आप सर से बात करेंगे, देखेंगे, वैसे बहुत अच्छे सर हैं, देखेंगे क्या करेंगे। चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ें भी होती रहती हैं। तो बाकी भाई साहब मैंने बच्चों को उठा लिया है, पहली लोकेशन पे मैं पहुंच चुका हूँ। सो अभी वापस निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ना वो हमें रिवर्स लेना पड़ता है सबसे पहले, क्योंकि हमारे साथ होते हैं छोटे छोटे किचकुले। तो बाकी भाई साहब अभी देखो हमें इस पे निकलना है। तो हम स्कूल से आ गए थे और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसी को राइड करूँगा। चलो आज इसको राइड करते हैं, हमें शॉप तक जाना था। आज मैंने बाइक वाइक ना घर में ही रख दी, तो आज इसी को चलाते हैं और देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। आज का मोटो व्लॉग कुछ ऐसे हो रहा है, देखो आज का मोटो व्लॉगिंग सेटअप कुछ ऐसा है हमारा, इस वाले मतलब पुराने साइकिल पे। तो इसको चलाने में भी मज़ा है और इसका देखो हैंडल मुझे थोड़ा बहुत टेढ़ा लग रहा है। चलो अभी मुझे थोड़ा बहुत काम है, हम काम करके आते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। 2000 years later. तो इधर पे सारा काम खत्म करके मैं वापस आ चुका हूँ अपने वर्कशॉप पे जहाँ पर कि मेरी गाड़ी लगी हुई है। तो गाड़ी को चेक कर लो अभी अंदर से कैसी है, देखो कितनी गंदी गाड़ी है अंदर से। तो इसके साथ मैं कुछ अच्छा सा करूँगा, बाकी इसको साफ भी थोड़ा बहुत करना है। तो बाकी काम खत्म करके मैंने सोचा इसका आज साइलेंसर बाहर निकालते हैं। पहले ना इसका जो एग्जॉस्ट नोट है ना उसको हम थोड़ा बहुत लाउड बनाएंगे। तो अभी का काम अभी इसको जैक पे चढ़ाते हैं और इसका एग्जॉस्ट निकालते हैं, इसकी आप लोगों को आवाज़ सुनाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके ना मुझे थोड़ा बहुत इस पर वो डिफरेंट बनाना है। सो अभी मुझे इसका साइलेंसर नीचे उतारना है। तो बाकी भाई साहब आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पर मैंने इसका साइलेंसर निकाल दिया। तो साइलेंसर निकालने के बाद मैं आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग मैकेनिक के पास अपनी गाड़ी को ले जाते हो ना ठीक करवाने के लिए, तो एक चीज़ का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना होता है। एक चीज़ होती है आपकी गाड़ी में जिसको कैथोलिक कन्वर्टर बोलते हैं, जो कि गाड़ी के साइलेंसर में होता है, तो उसका थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो। कुछ मैकेनिक्स क्या करते हैं, थोड़ी बहुत लालच में आके वो ना चुरा लेते हैं।
तो उससे आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं लगेगा, गाड़ी में कोई फ़र्क आया है तो। बाकी वो जो एरो 3 गाड़ी है, जो मारुति की 800 है, उसमें इस बॉक्स में होती हैं, जो कि बीच में होता है यहाँ पे, इसमें होता है कैथोलिक कन्वर्टर, वो एक जाली जैसी होती है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। इसमें पता नहीं किसी ने निकाल के रखा है, तो एक इसमें होता है और मेन जो होता है वो होता है इंजन के पास, यहाँ पर एग्जॉस्ट होता है जहाँ पर कैथोलिक कन्वर्टर होता है। तो बस इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ मैकेनिक्स थोड़ी बहुत लालच में आ जाते हैं, मतलब ये छोटी मोटी चोरियाँ करते हैं, ये छोटी सी चोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी चोरी है। तो आप लोगों से मैं यही कहता हूँ इस चीज़ के लिए, मतलब आप लोगों को मैं अवेयर करता हूँ, जिसको इसके बारे में नहीं पता उसके साथ इस वीडियो को शेयर करो। और ये रहा इसका साइलेंसर, तो साइलेंसर मैंने इसलिए निकाला ताकि इसमें एग्जॉस्ट नोट ना बहुत ही खतरनाक आए। सो बाकी कुछ ऐसा मैंने मतलब अभी तक बनाया, तो फिलहाल मुझे जाना है स्कूल, मैंने आपको मतलब अभी बच्चों को वापस ड्रॉप करना है, तो जल्दी से मैं स्कूल पहुँचता हूँ और इसका जो काम है वो थोड़ी देर के बाद वो रेस्टोर करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं इसमें हम और क्या चेंजेस करेंगे। तो बाकी गाइस, अभी मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ चीज़ें खरीदनी थी, आज रमज़ान का पहला दिन था, तो मैं आया हूँ अपने कज़न ब्रदर के पास। हेलो एजाज भाई, बस शुक्र। तो आपको भी पता है मैं ज़्यादातर एजाज भाई के पास ही आता हूँ बड़गाम, तो आप भी इनके पास आ सकते हो। बस जनरल स्टोर है इनकी, स्टोर का नाम, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। तो फिलहाल मुझे 2-3 चीज़ें खरीदनी हैं, वो खरीदते हैं और यहाँ से निकलते हैं वापस घर की ओर। और मैंने अभी गाड़ी ना बहुत ज़्यादा दूर रखी है। सो बाकी भाई साहब देखो, चीज़ें भी खरीद ली, अभी मुझे बस एक तेल का एक कैन लाना है, जो कि मैंने वहीं पर रखा जो मैं नहीं उठा सकता। तो अब मैं गाड़ी में पहले इन चीज़ों को रखता हूँ, क्योंकि घर के काम ही कुछ ऐसे होते हैं, कुछ भी करना पड़ता है कसम से घर के लिए।